good morning students this is part 2 of the chapter theory of consumer behavior in this video we are going to learn law of diminishing marginal utility and relationship between total utility and marginal utility first we are going to learn what is law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity यूटिलिटी फ्राम द सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमेनिशिंग मिस्टर एच कॉ सिंह वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दिस लॉ इन एटीन फिफ्टी फोर लॉ ऑफ डिमेनिशिंग मार्नेल यूटिलिटी क्या कहता है बेटा जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम consume करता है कॉमोडिटीज मतलब उसको यूज़ करता है उसकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे वो सक्सेसिव यूनिट्स एड करता है अपने कंजम्पशन में एंड दिस लॉ इज़ फर्स्ट गिवेन बाय mr h gosin in 1854 later on alfred marshall explained law of dmu alfred marshall ne law of dmu means law of diminishing money utility explained kiya tha. according to him the additional benefit a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes With every increase in the stock that he already has, it means जो एडिशनल बेनिफिट डिराइव करता है पर्सन विद अ गिविन इंक्रीज इन द स्टॉक मतलब अपने जो उसके पास कॉमोडिटी होती है उसको कंज्यूम करते करते तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है एज ही गोज ऑन इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़ आई होप इट इज क्लियर वट इज लॉ जी एम यू नाउ एजाम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनीशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसकी क्या एजाम्पशंस है, है बेटा फर्स्ट वन रैशनैलिटी कंज्यूमर एम्स एट मैक्म यूटिलिटी कंज्यूमर रेश रैशनल है और वो मैक्ममम यूटिलिटी चाहता है सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टेंट एम यू ऑफ मनी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी व परचेज फॉर परचेजिंग द गुड्स इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब माइनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे थर्ड वन यूटिलिटी इज मेजर्ड इन एब्सिल्यूट टर्म्स यूटिलिटी को आप एप्सल्यूट टर्म्स मतलब कार्डिनल उसमें मेजर कर पा रहे हो फोर्थ पॉइंट देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स और ये मान रहे हैं कि प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे नेक्स्ट एजम्पन है कंटिन्यूस कंजम्पशन दैट इज़ नो टाइम गैप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पन है लॉ ऑफ डीएमयू का कि जब आप कॉमेडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो वो आप उसी टाइम पे बस वो कॉमेडिटी कंज्यूम करते जा रहे हो ये नहीं है कि आपने अभी वो कॉमेडिटी खाई है कंज्यूम करी है और उसके बाद आप दो तीन घंटे बाद फिर उस कॉमेडिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो उस समय हम ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कंटिन्यूस कंजम्पन ऑफ गुड्स होना चाहिए द लास्ट एजन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे नाउ विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द ग्राफ वी कैन एक्सप्लेन ग्लॉ ऑफ डी एम यू यू कैन सी हि फर्स्ट द टेबल यूनिट्स आर गिविन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब इसने सेवन यूनिट्स कंज्यूम करी हैं और सबसे उसको टोटल यूटिलिटी मिली है टी यू डैट इज़ टेन एटीन ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी ट्वेंटी एट जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी सेम कह रहा है यहाँ पे वो डेफिनेशन फॉलो हो रही है ना बेटा कि वो जैसे जैसे कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी पहले बट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है मार्नल यूटिलिटी देखिए टेन एट सिक्स फोर टू जीरो माइनस टू अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अगर फर्स्ट यूनिट कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कोई भी पर्सन तो उसको टोटल यूटिलिटी टेन मिली तो मार्जिनल यूटिलिटी भी टेन होगी सेकेंड यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी एटीन हो गई मार्जिनल यूटिलिटी एट है इट बेटा उसको सेकेंड यूनिट से सिर्फ एट यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है और फर्स्ट यूनिट से टेन का मिला था तो एज इंक्रीजिंग द स्टॉक इट्स यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग अब थर्ड यूनिट जब उसने कंज्यूम करी तो उसकी टोटल यूटिलिटी ट्वेंटी फोर हो गई ठीक है तो मतलब क्या हुआ हमने यहां पर क्या किया कि उसको थर्ड यूनिट से अगर हम एम यू की वैल्यू देख रहे हैं वो सिक्स आ रही है जिसमें इन्होंने क्या किया फॉर्मूला यूज किया टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मार्नल यूटिलिटी के बारे में ट्वेंटी फोर में एटीन माइनस किया तो सिक्स आएगा ठीक है जब हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी ट्वेंटी एट हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फोर कितना आया फोर फिफ्थ वाले जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो टोटल यूटिलिटी थर्टी है ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे सिर्फ टू हो गई थे थर्टी माइनस ट्वेंटी एट बट जब सिक्स यूनिट आपने कंज्यूम करी है तो टोटल यूटिलिटी सेम है हो गई जो फिफ्थ यूनिट पे थी और इस पॉइंट को बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कहेंगे और पॉइंट ऑफ सटाइटी भी कहेंगे इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है दैट इज थर्टी माइनस टेन थर्टी कर रहे हैं तो एम यू की वैल्यू देखो जीरो आ रही है और जब हमने सेवंथ यूनिट एक और कंज्यूम कर ली तो टोटल यूटिलिटी अब आपकी यहाँ पे कम हो गई ठीक तो मानल यूटिलिटी क्या हुआ माइनस टू क्योंकि ट्वेंटी एट माइनस थर्टी कर रहे हैं अब ये चीज़ आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम इस चीज़ को देखें कि जब हम स्कूल से घर जाते हैं बेटा तो मम्मी लोग हम लोग को खाना देती है हाउ वी फील वी फील वेरी गुड क्योंकि हमको उस समय वी आर हंग्री एट दैट टाइम और हमने जब फर्स्ट बाइट खाते हैं तो वी विल सेटिसफाइड कि कुछ तो गया हमारे माउथ पे वी फील लाइक दैट बट जब हमने सेकेंड कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं आपको और सेटिस्फैक्शन मिलता है बट जो फर्स्ट सेटिस्फैक्शन मिला था यूनिट को आपको कंज्यूम करने पे उतना सेकेंड कॉमोडिटी में नहीं मिलता और जब हमारा टमी फिल हो जाता है बेटा तो क्या होता है तो सैटि हम और खाएंगे तब भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो देखो फिफ्थ और सिक्स यूनिट में यही हुआ है फिफ्थ यूनिट में आप थर्टी सेटिसफैक्शन आपको टोटल यूटिलिटी का मिला सिक्स यूनिट जब आपने कंज्यूम करी तब आपका स्टमक फिल हो चुका था आप और जब खा रहे हो तो आपको सेटिसफैक्शन नहीं मिल रहा वहाँ इसलिए यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई ज़ीरो बट उसके बाद भी अगर पेरेंट्स एंस करते हैं मम्मी लोग तो हम लोग और खा लेते हैं ना तो जैसे ही हमने सेवन्थ यूनिट खाई तो वो हमारे लिए टोटल यूटिलिटी वहाँ पे उससे भी कम हो गई दैट इज माइनस टू आई होप नाउ इट इज़ क्लियर नाउ विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ वी विल सी दिस फर्स्ट ग्राफ बेटा टी यू कर्व है दैट इज टोटल यूटिलिटी कर्व देखो पहले वो इंक्रीज़ हो रहा है हमने भी देखा फर्स्ट फाइव यूनिट्स तक वो इंक्रीज था सिक्स यूनिट में वो कॉन्स्टेंट हुआ फिफ्थ और सिक्स यूनिट का थर्टी है और सेवेंथ यूनिट से वो फॉल कर रहा है वही महापी हुआ है ओएक्स एक्सेस में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं बेटा ओवाई में टोटल यूटिलिटी है अब जहां पे ये सिक्स्थ यूनिट वो आ रही है वो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है ये पॉइंट ऑफ सटायटी भी होता है क्योंकि अब हमारा स्टमक फिल हो चुका था इसके बाद हम जब कंज्यूम कर रहे हैं हमको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे और सेकंड ग्राफ पे अगर हम देखें ओ एक्स एक्सेस में वही नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ओ वाई में मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे एम यू का कर्व डाउन जा रहा है डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है बेटा और वो एक्स एक्सेस को भी कट करके नीचे जा रहा है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी थी जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है बेटा उस पॉइंट पे देखो स्ट्रेट लाइन हमने डॉटेड ड्रॉ करी है उस पॉइंट पे टी यू का मैक्सिमम होता है आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल एंड द ग्राफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एज मोर एंड मोर क्वॉंटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज कंज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा कॉमोडिटी खाएंगे हमारी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है अो मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो डिक्रीजेस इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी सेकेंड पॉइंट कहता है इफ़ देयर आर मेनी यूजेज ऑफ द कॉमेडिटी द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूज एंड सो ऑन अगर कई कोई ऐसी कॉमेडिटी है जिसकी कई सारी मतलब uh, यूज हैं तो उसमें से हम मोस्ट अर्जेंट को पहले फुलफिल करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इट विल ओनली बी यूज ओनली फॉर लाइटनिंग दैट इज इफ इट इज अवेलेबल मोर इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो फॉर हीटिंग कुकिंग एसेक्ट्रा आई होप इट इज क्लियर लॉफ डी एम यू नाउ दिस इज अ नेक्स्ट आंसर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपसे एग्जाम में दोनों आंसर्स पूछ सकते हैं बेटा वट इज़ लॉ ऑफ डिमिनीशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलग पूछ सकते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू अलग पूछते हैं दैट इज वाई आई हैव गिंग दिट्स विद द सेपरेट आंसर्स टू सेपरेट आंसर्स बट यहाँ पे टेबल और ग्राफ सेम है जो आपने लॉ ऑफ डी एम यू में पढ़ा है क्योंकि डी एम यू में भी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेटेड ही है तो वही ग्राफ और टेबल यहाँ पे मैंने शो किया है उनके रिलेशन क्या हैं फर्स्ट वन वेन टी यू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज बट रिमेन्स पॉजिटिव आप टेबल पे देख रहे हो टी यू इंक्रीज कर रहा है बट धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी उस समय डिक्रीज कर रहा था ठीक सेकेंड पॉइंट क्या कहता है रिलेशन का वेन टी यू इज मैक्सिमम एम यू इज जीरो जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो रहेगा थर्ड वन इज व्हेन टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी कम होने लगेगा सेवेंथ यूनिट में आप देखो जब ट्वेंटी uh, एट हो गया और सिक्स में थर्टी था एट दैट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है बेटा माइनस पे जा रहा है दैट इज़ नेगेटिव तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू तो आप ये टेबल भी बनाओगे ग्राफ्ट भी बनाओगे और ये तीनों पॉइंट्स भी लिखोगे आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू स्टूडेंट्स